हाल में घटना लखीमपुर खीरी में होती है साथियों, हमारी दो दो बहन बेटियों को तो हमारे एक बेटे की, हमारे एक भाई की हत्या कर दी जाती है। केवल उसकी गलती इतना थी कि उसने घड़े से पानी पी लिया साथियों। यही रानीगंज में सामंतवादी ब्राह्मणवादी सोच के एक मास्टर हमारे भाई को इतना मारता है कि बेहोश हो जाता है साथियों। क्योंकि अगर हम लोग पढ़ते हैं तो उनको पीड़ा होती है, कहीं लोग पढ़ के आगे जाएंगे और हमारी व्यवस्था जो बनाई है इस व्यवस्था का विरोध करने का काम करेंगे साथियों। तुम लोग राम राज लाने का काम करते हो, तुम लोग राम राज की बात करते हो, तुमको राम राज में फायदा है, लेकिन मैं अम्बेडकर राज लाने की बात करता हूँ, मैं अम्बेडकर राज लाने की बात करता हूँ। जब मैं कह देता हूँ मैं राम को नहीं मानता, मैं खुले मन से कहता हूँ मैं राम को नहीं मानता, जो करना है जाओ मेरे कर लो, मेरा जाओ मेरे ऊपर मुकदमा कर दो, मैं अम्बेडकर साहब को मानने वाला हूँ, हम भारतीय संविधान को मानने वाले हैं साथियों। साथियों आज हमारे देश में एक ऐसी रीत चली आ रही है, कहते हैं जिसको गुलाम बनाना है शिक्षा से मुक्त कर दो, वो सोचने और समझने की क्षमता अपने आप खत्म कर देगा। क्योंकि हम लोग स्टूडेंट हैं, हम लोग को पीड़ा होती है। आप लोग सोच सकते हैं जब से सामंतवादी लोग, मनुवादी लोग, आरएसएस के लोग सत्ता में आए हुए हैं, तब से लोग सबसे ज्यादा किसी पे प्रहार कर रहे हैं, किसी व्यवस्था पे प्रहार कर रहे हैं, वो सबसे ज्यादा है शिक्षा का क्षेत्र। साथियों आप लोग जानते हैं जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी है, हमारे गांव से गरीब पिछड़े दलित मजदूर के बेटे पढ़ने जाते हैं, जो सामंतवादी वहां जो वाइस चांसलर बैठी है उसने इतना फीस महंगा कर दिया, क्योंकि जो सामंतवादी लोग हैं वो लोग ऐसे लोगों को बैठाते हैं उस स्थान पे, जो आरएसएस के लोग हैं ऐसे ऐसे पद पे बैठाते हैं कि जो हम कहेंगे वही करेंगे। जहां हम लोगों की 1000 फीस लगनी थी, आप लोग कल्पना नहीं कर सकते 400 प्रतिशत, कहीं 10-20% नहीं, 400 प्रतिशत फीस बढ़ा दी जा रही साथियों। क्योंकि लोगों की मानसिकता है हम लोग इतना फीस बढ़ा देंगे कि जो गांव से दबे कुचले गरीब मजदूर के बेटे हैं, किसान के बेटे हैं, दलित के बेटे हैं, वो पढ़ नहीं पाएंगे साथियों। हम लोगों को इस बात पे गहन चिंतन और मंथन करना है साथियों, और इसके विरोध में हम लोगों को खुल के आवाज उठाना पड़ेगा साथियों। अभी एक घटना हमारे राजापुर में घटती है, हमारे एक भाई, बड़े भाई विशाल गौतम थे, उन्होंने केवल इतना कह दिया कि जब हमारे लोग मरते हैं, जब हमारे लोगों के यहाँ मिट्टी होती है, तो हम लोगों को एक काम करना है, जो हम लोग कफन देते हैं, कफन न देके उस परिवार के लोगों को कुछ आर्थिक मदद दी जाएगी। तो सामंतवादी लोग उस भाई के ऊपर मुकदमा कराने का काम करते हैं साथियों, दरवाने का काम करते हैं। मैं तो कहता हूँ, मैं उन लोगों से खुल के कहना चाहता हूँ कि तुम लोग जिस व्यवस्था को मानने का काम करते हो, मैं उस व्यवस्था का लात मारने का काम करता हूँ साथियों। तुम लोग राम राज लाने का काम करते हो, तुम लोग राम राज की बात करते हो, तुमको राम राज में फायदा है, लेकिन मैं अम्बेडकर राज लाने की बात करता हूँ, मैं अम्बेडकर राज लाने की बात करता हूँ। जब मैं कह देता हूँ मैं राम को नहीं मानता, मैं खुले मन से कहता हूँ मैं राम को नहीं मानता, जो करना है जाओ मेरे कर लो, मेरा जाओ मेरे ऊपर मुकदमा कर दो, मैं अम्बेडकर साहब को मानने वाला हूँ, हम भारतीय संविधान को मानने वाले हैं साथियों।
आप लोग देखते होंगे हमारे दलित समाज के बहन बेटियों की इज्जत लूट ली जाती है साथियों। अभी हाल में घटना लखीमपुर खीरी में होती है साथियों, हमारी दो दो बहन बेटियों को इज्जत लूट के दिन दहाड़े उनको अगवा किया जाता है। लेकिन उत्तर प्रदेश की जो सरकार है, जो उत्तर प्रदेश की प्रशासन के लोग हैं, वो देखते रहते हैं, उस बेटी को खोज नहीं पाने का काम करते साथियों। उसकी लाश मिलती है, दो सगी बहनों की लाश पेड़ में लटकी मिलती है साथियों। उसको सुसाइड बताने का काम करते हैं साथियों। जब मेडिकल होता है तो उस बच्चियों के साथ बलात्कार हुआ होता है साथियों। आप लोग अभी देखे होंगे हमारे देश में दलितों को आज कहते हैं हमारा देश आजाद हो गया, 75वां वर्ष हम लोग खूब आजादी का मनाए, खूब अपने घर में झंडा लगाए। लेकिन उस जब 75वां वर्ष आजादी का हम लोग मना रहे थे साथियों, तो हमारे एक भाई की हत्या कर दी जाती है। केवल उसकी गलती इतना थी कि उसने घड़े से पानी पी लिया साथियों। यही रानीगंज में सामंतवादी ब्राह्मणवादी सोच के एक मास्टर हमारे भाई को इतना मारता है कि बेहोश हो जाता है साथियों। क्योंकि अगर हम लोग पढ़ते हैं तो उनको पीड़ा होती है, कहीं लोग पढ़ के आगे जाएंगे और हमारी व्यवस्था जो बनाई है इस व्यवस्था का विरोध करने का काम करेंगे साथियों। मैं लोगों को खुला चैलेंज करता हूँ, मैं तुम्हारी व्यवस्था को नहीं मानने वाला हूँ, मैं अपनी महापुरुषों के व्यवस्था को मानने वाला हूँ, परियार ललाई सिंह रामा स्वामी की व्यवस्था को मानने वाला हूँ, बाबा साहब अम्बेडकर की व्यवस्था को मानने वाला हूँ, ललाई सिंह यादव की व्यवस्था को मानने वाला हूँ। क्योंकि तुम्हारी व्यवस्था में जो है छुआछूत भेदभाव असमानता की व्यवस्था है, लेकिन जब हमारे महापुरुषों ने व्यवस्था बनाई उसमें समानता की व्यवस्था बनाई साथियों। तो क्या आप लोग तैयार हैं अपने महापुरुषों की व्यवस्था को मानने वाले मानेंगे कि उन सामंतवादी उन लोगों की व्यवस्था को मानेंगे? आज अगर हम लोग ईवी रामास्वामी प्रियार के जन्म उत्सव पे आए हुए हैं तो हम लोगों को एक प्रण ले लेना है कि लोगों इन्होंने जो भगवती भगवान है इन लोगों को जूता से मारने का काम करते हैं साथियों। अगर हम लोग यहाँ सम्मिलित हुए हैं तो हम लोगों को भी वैसे मारना चाहिए, जो काल्पनिक देवी देवताओं हैं इनको जूता से मारने का काम करना चाहिए साथियों। तो हम लोग जाके अपने महापुरुषों का सपना पूरा कर सकते हैं, तो अपने बहुजन महापुरुषों का सपना पूरा करेंगे, नहीं तो हम लोग ऐसे मीटिंग में आएंगे और ताली बजाएंगे और चले जाएंगे, फिर जाके संझा की अगरबत्ती ले सेंगे, कपूर ले सेंगे, फिर वही देवी देवता को मनाने का काम करते हैं साथियों। तो आप लोगों को मीटिंग में आने से कोई मतलब नहीं निकलता। अगर आप अपने महापुरुष को मानना चाहते हैं तो जैसे ईवी रामा स्वामी नायकर साहब ने जूता से मारने का काम किया था उनके देवी देवताओं को, हम लोगों को भी जूता से मारने का काम करना चाहिए साथियों। हम लोग बाबा साहब का जयंती मनाते हैं, बाबा साहब खूब धूमधाम से जयंती मनाते हैं, लेकिन साल में एक बार मनाते हैं 14 अप्रैल को बाबा साहब को याद करते हैं, उसके बाद भूल जाते हैं। तो अगर हम लोग बाबा साहब को मानने वाले हैं तो हमारा कर्तव्य बनता है कि हर चीज जैसे उनकी जो 22 प्रतिज्ञा थी उसको भी हम लोगों को मानना पड़ेगा। सबसे पहले उनकी प्रतिज्ञा थी गौरी गणेश को हम नहीं मानेंगे, जिस दिन इसको हम छोड़ दिए, गौरी गणेश को मानना बंद कर दिए, एक प्रतिज्ञा मान लिए, उस दिन हम लोग इस देश के राजा बन जाएंगे। अभी हमारे बगल में कुछ सामंतवादी लोग एक पासी परिवार को इतनी तरह बुरी तरह मारते हैं साथियों, उस बेचारे का मुकदमा नहीं लिखा जाता है। आखिर हमारे ही साथ क्यों होता है, हमारे समाज के लोगों के साथ कब होता है? क्योंकि हमारे समाज के लोग जब मारे पीटे जाते हैं हमारा ही मुकदमा क्यों नहीं लिखा जाता साथियों? क्योंकि हम लोग ऐसे लोगों को वोट देने का काम करते हैं कि ताकि आप लोग मार खाओ पीटे जाओ, आपका मुकदमा तक नहीं लिखा जाएगा साथियों। हम लोगों को प्रण लेना है, हम लोगों को प्रतिज्ञा लेना है कि जब हमारा इलेक्शन आएगा, जब चुनाव आता है, तो हम लोग भी अपने बहुजन समाज के लोगों को जिताने का काम करेंगे, तब जाके आपकी न्याय मिलेगा, तब जाके हक अधिकार मिलेगा साथियों। हम लोग कहते हैं संविधान बचा है, आरक्षण बचा है, आप लोग बताइए कहीं आरक्षण रह गया है? कोई आरक्षण नहीं रह गया है। जो लोग कहते हैं कि अरे ये लोग आरक्षण खोर हैं, आरक्षण लेते हैं, तो मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं, जो तुम लोग 10% आरक्षण लेते हो,
जिसे कहते हैं लोग आर्थिक रक्षण है, वो भी आर्थिक रक्षण नहीं है, वो जातीय रक्षण है। क्या किसी ओबीसी का बेटा जो आर्थिक रक्षण बताते हैं, क्या किसी ओबीसी का बेटा उस 10% में ले सकता है? नहीं ले सकता ना। क्या किसी दलित का बेटा उस 10% में रक्षण ले सकता है? नहीं ले सकता। तो जैसे हमारा जातीय रक्षण हुआ, तो उनका भी 10% जातीय रक्षण हुआ। ये रोना बंद कर दीजिए, ये रोना बंद कर दीजिए कि हमको आर्थिक रक्षण मिला है। तुम लोग 15% होते के बावजूद भी तुमको 10% हराम का रक्षण दिया गया है, जो कि हमारे संविधान में है ही नहीं। तब भी हम लोगों ने दे दिया, आपको दान में दे दिया, क्योंकि हम लोग हमेशा आपको दान देते चले आ रहे हैं। साथियों, समय कम है, मैं अपनी ज्यादा बात न रखते हुए मैं यहाँ पे बैठे हमारे सामने आप लोग हमारी बात ध्यान से सुना, मैं इसके लिए आपका तहे दिल से हार्दिक स्वागत अभिनंदन आभार व्यक्त करता हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भारत।